मुरलीधर मोहोल हमारे साथ में है, महाराष्ट्र के पुणे से है और मोदी सरकार में राज्य मंत्री बने हैं। और इनके पास जो है सिविल एविएशन का राज्य मंत्री पद का चार्ज दिया गया है, इसके अलावा सहकारिता राज्य मंत्री पद का भी एक जिम्मेदारी उनको दी गई है। मोहोल साहब, जिस तरह से ये दोनों मंत्रालय आपको दिए गए हैं, आप युवा है, यंग है, और इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं, जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई दोनों विभागों की, सहकारिता राज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री? मैंने पहले भी कहा था कि जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उस पर मुझे मेरे शहर की, मेरे राज्य की, मेरे देश की सेवा करने का मौका मुझे मिलने वाला। तो आज मुझे ये जो दो अलग अलग पोर्टफोलियो में काम करने का अवसर मिल रहा है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह कि हमारे देश के गृहमंत्री और सहकार मंत्री जो है हमारे अमित भाई के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ काम करने को वहाँ भी मुझे अवसर मिलेगा, एक बहुत खुशी है। दूसरा जो है कि सिविल एविएशन में भी काम करना है, तो आज पता चला है, अभी पता चला है कि ये दोनों क्षेत्रों में काम करना है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, जो कुछ करना है आगे बार बार मिलेंगे। पश्चिम महाराष्ट्र से, और पश्चिम महाराष्ट्र अगर हम बात करें महाराष्ट्र की खासतौर पर, वैसे तो आपको देश भर में ये काम करना है सहकारिता क्षेत्र में, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में एक शुगर बेल्ट का इलाका कहलाया जाता है, वहां पर आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी है और वहां पर कई सारे ऐसे बीमार चीनी मिले हैं। पिछली सरकार में 16,000 करोड़ का जो एक रिलीफ दिया था इस सरकार ने, गृहमंत्री अमित शाह ने, तब सहकारिता मंत्री थे, उससे भी ताकि कारखाने जो है, ये शुगर मिले जो है वो फिर से जीवित हो सके और ये सहकारिता का जो आंदोलन है वो जीवित रह सके। इसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे और चुनाव में इसको कैसे आप लेके जाएंगे, कितना फायदा उसका, इसको आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है चुनाव का कोई मसला यानी चुनाव करके हम इसको नहीं देख रहे हैं। ये सहकारिता जो है एक बड़ा एक सेक्टर है और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में तो इसकी बहुत बड़ी नींव है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एक सहकारिता का एक बहुत बड़ा काम है। तो मुझे लगता है कि मैं तो खुद एक किसान फैमिली से आता हूँ, एक किसान फैमिली से आने के लिए मुझे लगता है कि इसलिए मुझे बहुत उसमें से सहकारिता में से थोड़ी बहुत जानकारी बिल्कुल है, लेकिन अभी उसमें बहुत से चैलेंजेस भी है, बहुत काम भी करना है। तो आज चार्ज तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या चैलेंजेस है, क्या काम करना है आगे जाके अमित भाई के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उसमें जो कुछ काम है वो अच्छी तरह से चलेंगे और मुझे लगता है कि उसमें बहुत काम है। एविएशन मिनिस्ट्री भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले हमने देखा कि बहुत कम संख्या थी, करीबन 70 एक संख्या थी, लेकिन वो 180 तक जो है मोदी सरकार ने पहुंचाई थी। आगे छोटे छोटे शहरों में, लेवल 2 के, लेवल 3 के शहरों में किस तरह से जिम्मेदारी रहेगी ताकि वहां पर एयरपोर्ट का निर्माण हो, कई सारे जगह जो है वहां पर। हाँ, देखते हैं कि पिछले 40 साल में जो काम नहीं हुआ वो इस 10 साल में हुआ है। अगर हम फिगर्स भी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पिछले 40 साल में जो काम नहीं हुआ, नया एयरपोर्ट निर्माण हो, एयरपोर्ट की सुविधाएं हो और कुछ उसमें, ये पिछले 10 साल में जितना काम हुआ है वो 40 साल में नहीं हुआ। तो मुझे लगता है बड़ी क्रांति इस क्षेत्र में हुई है, मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, आगे जाके भी इस पर बहुत काम करना है। मुझे लगता है कि मोदी जी का जो सपना है, जो विकसित भारत का सपना है, वो चाहे सहकारिता हो या सिविल एविएशन हो, इसी दोनों क्षेत्र में हम जो काम करने वाले, जो काम करना पड़ेगा वो बहुत काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और मुझे लगता है कि ये सपना बिल्कुल सहयोगी और एक सैनिक के नाम पर, एक मंत्री के तरह आप काम करेंगे, दमदार काम करेंगे 5 साल में। जी बिल्कुल, जो काम दिया है तो काम करना ही पड़ेगा, अच्छी तरह से काम करेंगे, जो विश्वास व्यक्त किया है मुझे, उस विश्वास में मुझे काम करना है और जो जिम्मेदारी है वो बहुत अच्छी तरह से काम निभाना है। ये मुरलीधर मोहोल थे, यहाँ पर बीजेपी से आते हैं और राज्य मंत्री बने हैं, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और सहकारिता जैसा बड़ा मंत्रालय जो है वो इसके राज्य मंत्री बने हैं। और महाराष्ट्र में सहकारिता का बड़ा सेक्टर है, जाल है, और सहकारिता पर राजनीति भी काफी डिपेंड है वहां पर, तो इसके लिए उन्हें यहां पर मौका दिया गया है। सहकारिता जो है राज्य मंत्री बनाया गया है और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में अपनी जिम्मेदारी का वो पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, दिल्ली।